नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। सिरोही मुख्यालय स्थित खंडेलवाल छात्रावास सभागार में सोमवार को आयोजित युवा शक्ति सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने संबोधन के प्रारंभ में सिरोही जिले के लेलोड़ी बडली नरसंहार के वीर बलिदानियों को नमन करते हुए उसे अंग्रेजी हुकूमत की पराकाष्ठा बताया। राजस्थान कांग्रेस सरकार के युवाओं के साथ की गई वादाखिलाफी के खिलाफ अब सभी मोर्चों पर हम लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश में रीट परीक्षा में 26 लाख अभ्यर्थियों के साथ किए गए धोखे का स्मरण करवाकर राज्य में सरकारी एजेंसीज के दुरुपयोग के आरोप लगाए। कहा, अपने आप को गांधी परिवार का गुलाम कहने वाला जनप्रतिनिधि जनता का भला नहीं कर सकता। शर्मा ने सवाल दागा, सलाहकार को राज्यसभा चुनाव में प्रदेश के व्यक्ति को टिकट देने की सलाह देनी चाहिए थी, उन्होंने राजस्थान के प्रति फर्ज क्यों नहीं निभाया। इसी प्रकार राहुल गांधी को केंद्रीय एजेंसी ईडी के सम्मान मामले में कांग्रेस के सड़कों पर उतरने को उसका राजनीतिक स्टंट बताकर कहा, अगर वो सही होते तो न्यायालय में चुनौती देते। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष समेत उपस्थित प्रदेश की टीम, जिला पदाधिकारियों की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय सहित जोशीले नारे लगाए। प्रदेश अध्यक्ष संबोधन का प्रारंभ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे से शुरू किया। शर्मा ने जिलाध्यक्ष गोपाल माली के कार्यों की प्रशंसा की। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पार्टी द्वारा आयोजित सभी योग दिवस कार्यक्रम में आधिकारिक संख्या में कार्यकर्ताओं से भाग लेने की अपील। उन्हें गुलामी स्वीकार हो सकती है, पर सिरोही की जनता को ऐसा जन प्रतिनिधि स्वीकार नहीं हो सकता। राज्यसभा के समय भी आपके विधायक के द्वारा जो तरह तरह के स्टेटमेंट दिए गए, वो मुझसे पूर्व में जो वक्ता मार्गदर्शन कर रहे थे उन सभी ने बताया। पर मैं आप सभी के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि एक तरफ तो आपके सिरोही का विधायक कहता है या एक सुझाव देता है कि इन लोगों को, प्रियंका गांधी जी को, एक कवि को, कन्हैया कुमार को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, परंतु बहुत ही जल्दी वो यह भी कहते हैं जब कांग्रेस के द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है तो सिरोही के विधायक ट्वीट के माध्यम से प्रश्न उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जनता को बताना चाहिए कि कांग्रेस ने एक भी राजस्थान के व्यक्ति को अपना प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस ने सारे के सारे राज्यसभा के प्रत्याशियों का आयात दूसरे प्रदेशों से क्यों किया, उन्होंने पूछा होगा कांग्रेस से, और कांग्रेस पार्टी ने इसका कोई उत्तर भी नहीं दिया। मुझको लगता है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने सलाहकार के प्रश्न का उत्तर देना सही नहीं समझा। परंतु मैं आज एक प्रश्न संयम लोढ़ा जी से पूछना चाहता हूं कि अगर संयम लोढ़ा जी को राजस्थान के लोगों की इतनी ही चिंता थी और यही प्रश्न वो कर रहे थे कि कांग्रेस राजस्थान के लोगों को राज्यसभा क्यों नहीं भेज रही है,